करनाल जिले में मंगलवार को सुबह कोरोना के 20 पॉजिटिव मामले आए, जबकि अभी तक 6 की मृत्यु हो गई है। उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने जिलावासियों से कहा कि वे जरूरी कार्य के लिए ही बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपने आप को निरंतर सैनिटाइजिंग करते रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के दृष्टिगत प्रशासन सख्त है। जो व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलेगा उसका 500 रुपये का चालान किया जाएगा। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है, वह तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दे ताकि उसके स्वास्थ्य की जांच की जा सके और लक्षण पाए जाने पर COVID-19 का टेस्ट किया जा सके। नमस्कार, इस समय मौजूद है करनाल CMCT करनाल के अंदर। आपको लाइव तस्वीरें आपको 2Day 24 आपको लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। करनाल के अंदर आपको मैं बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि करनाल के अंदर आज कुल कोरोना के जो है 20 कोरोना पॉजिटिव केस नजर आए। वहीं आपको जानकारी दे दूं, करनाल के अंदर जो है अभी तक मौत का जो आंकड़ा है लगभग 6 का आंकड़ा पार, लगभग 6 के करीब जो है कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि करनाल के अंदर कुल आज है जो है 20 कोरोना पॉजिटिव केस है। मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में शामगढ़ है, मॉडल टाउन है, वहीं अगर बात करूँ सेक्टर 7 की, सेक्टर 13 की, सेक्टर 12 की, दयानंद कॉलोनी की, जरनैली कॉलोनी की, सुभाष गेट, बसंत विहार, ITI चौक, शिवाजी कॉलोनी, शिव कॉलोनी, ऐसे अमृत कलापुर है, गोगड़ीपुर है आदि, इस एरिया के अंदर जो है आज करनाल के अंदर कुल जो है कोरोना के 20 मामले ऐसे जो लगातार हैं। आप लोगों से बार बार अपील की जाती है, कृपया कर आप मुंह पर जो है मास्क लगा कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज का उपयोग कर सकें। वहीं आपको बता दूं करनाल के अंदर जो है आज 20 कोरोना पॉजिटिव केस नजर आए हैं। ज़्यादा जानकारी के हमारे साथ जो है SI मंजूर अली, उनसे जानकारी लेते हैं। तो हमारे साथ SI है मंजूर अली, उनसे जानकारी लेते हैं आज का कहाँ का मामला है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है मामले आए हैं जो आज हमारे एरिया में दो मामले हैं। एक जो पेशेंट है लड़का मोहित करीब 16 साल का, इसके पिताजी अपना वेद प्रकाश जी 23/6 को पॉजिटिव पाए गए थे। ये एक दवाई की कंपनी में काम करते हैं, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री फिलहाल उनके बारे में कोई पता नहीं चली थी। उसके बाद अगले दिन 24 दिन टेस्ट कराया इनको, मिसिज का, बेटे का और बेटी का, उसमें इनकी मिसिज और बेटा पॉजिटिव पाए गए थे। कल फिर इनका बेटे का कराया, जो बेटा ठीक था नेगेटिव था, आज इनका बेटा पॉजिटिव पाया गया। तो ये घर पे होम क्वारंटाइन था, तो इसको अभी एम्बुलेंस में वहाँ भेजा जाए इलाज के लिए। इसके अलावा एक केस हमारा जो है सिटी थाने का शिवाजी कॉलोनी में है, उनकी भी फिलहाल कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, लेकिन जहाँ तक तक जानकारी मिली है वे शिवाजी कॉलोनी में रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ काम करते हैं अपना अमृतधारा हॉस्पिटल में, शायद 4th क्लास के उसमें है। सर एरिया की बात करूँ, अभी तक जो है क्वारंटाइन पहले ही कर दिया गया था, जो है सीलिंग कर दी गई थी, क्या आप फिर जो है इसको स्क्रीनिंग की जाएगी सर? नहीं, सीलिंग पहले कर दी गई है, सब स्क्रीनिंग पहले कर दी गई थी। ये फैमिली मेंबर ही है उनका, कोई अलग से होता है नहीं, ये चैन सिस्टम बन गया, जो पहले 3 थे अभी आ गया, अलग से कुछ नहीं किया जाएगा, पहले किया गया। सर लोगों से अब क्या अपील करते हैं सर, रोजाना है जो केस बढ़ते जा रहे हैं, अब जो ये जो लड़का है इसको क्या कौन से कल्पना चावला में लेकर जाया जाएगा, क्या किया जाएगा? हाँ जी, फिलहाल कल्पना चावला लेकर जाया जाएगा, अभी आ रही है एम्बुलेंस हमारी, उसके बाद देखो कहाँ शिफ्ट करते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ जो SI हैं मंजूर अली थे सिटी थाने से, देख सकते हैं किस प्रकार साफ तौर पे कहना था कि करनाल के अंदर जो है रोजाना, जी हाँ रोजाना कोरोना के पॉजिटिव बढ़ते जो है केस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको अभी कुछ ही देर पहले जैसे हमने आपको जानकारी दी कि करनाल के अंदर कुल आज करनाल के अंदर जो है 20 कोरोना पॉजिटिव केस थे, जिसमें से इस इलाके के अंदर जो पहले जिनकी माता जी कोरोना पॉजिटिव थी, उसके बाद जो आज उनका बेटा है आज वो कोरोना पॉजिटिव आया। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें।